अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वातीन हज़रात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। हमारे दो भाइयों ने मिलकर चैनल बनाया है फूड रिव्यूज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। चैनल का नेम है हैवी फूड सीन्स। जी वकाजी, बिल्कुल ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह से फूड पॉइंट्स पर जाकर वीडियो बनाते हैं और उसकी मेकिंग भी दिखाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम है। तो जाकर जल्दी से हैवी फूड सीन्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगा, देख लीजिएगा। जल्दी से जल्दी इनके सब्सक्राइबर कर लीजिए, 5000 सब्सक्राइबर तो कर ही दीजिए जल्दी से। तो अब शुरू करें। हाँ, शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज हमारा भी हैवी सीन बना हुआ है। उसे भाई काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। पहले मैं बात कर लूँ, ये हमने आज दो रेस्टोरेंट से मंगवाया है, एक है ट्रीटले और एक है क्यूरियस किचन। जो ट्रीटले से हमने मंगवाया है वो है इनका गाजी एक्सट्रीम, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और तो फेवरेट है। हाँ, फेवरेट है। तो गाजी एक्सट्रीम यहाँ रखा हुआ है। और ट्रीटले से जो हमने मंगवाया है चिकन आला कीव, भैया ये सीधी सी बात है, पहले कभी नहीं खाया। पहले मैंने भी कभी नहीं मैंने नहीं खाया चिकन आला कीव रखी हुई है। और यहाँ है ब्लैक पेपर स्टेक। स्टेक्स तो खाई हुई हैं लेकिन इनकी टेस्ट करेंगे। इनकी शक्ल ऐसे लग रही है ना जैसे वो महंगे रेस्टोरेंट में डाले, इनकी क्वान्टिटी ज़्यादा है, वैसे थोड़ी क्वान्टिटी में यही डाल देते हैं। और प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। यहाँ हमारी शायद प्रेजेंटेशन वो वाली नहीं होगी जो वहाँ होगी, क्योंकि ये घर का माहौल है। तो ये साथ में इसके मैश पोटैटोज और ये स्ट्रॉबेरीज वगैरह, मतलब सैलड वगैरह इसके साथ है। और बाकी मैं आपको बता दूं, हाँ ये तीन चीज़ें इनसे मंगवाए। अच्छा, चिल्ली पॉपर्स भी उस भाई मैंने मंगवाए थे इनसे, जो कि नहीं मिले हैं, लेकिन अपना पैसे इन्होंने काट लिए हैं। तो मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया, भैया चिल्ली पॉपर्स कहाँ हैं? तो उनने बोला वो तो सर ख़त्म हुए पड़े थे। मैंने कहा अगर ख़त्म हुए पड़े थे तो बिल में क्यों ऐड किए, मैंने यहाँ पैसे तो दे दिए राइड। अच्छा चलें, आप राइडर्स को कॉल कर लें, वो आपको वापस पैसे देगा। मैंने कहा मैं क्यों कॉल करूं भाई, मैं मेरा लिंक आपसे था, रेस्टोरेंट वाले से था या राइडर से था? अच्छा, उनने बोला सोचा है थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, मैं सर मैं उन्हें कॉल कर देता हूं। तो कोई आधा घंटे के बाद, मतलब 10-20 मिनट के बाद मैंने दोबारा कॉल किया ये सेटिंग करते हुए। मैंने कहा पेमेंट अभी तक नहीं मिली मुझे। उनने बोला सर वो तो राइडर वापस आ गया है, अब आप ये करें कि आप खुद आएँ ले जाएँ। मैंने कहा मैं कैसे आऊँ ले जाऊँ, मैं अगर आना होता तो मैं खुद ना आ जाता चीज़ें लेने। तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल था। हाँ, अनप्रोफेशनल था और उनके वे ऑफ टॉकिंग भी अनप्रोफेशनल था उसे भाई। ये हाँ, फिर गलत बात है वकास भाई। ले तो, शुरू करते हैं। तो यही तीन चीज़ें हैं। बाकी हमने जो मंगवाया है वो क्यूरियस किचन से मंगवाया है। यहाँ मेरे पास है अपना ये स्पाइस स्क्वायर रखा हुआ है, और यहाँ ये भी बर्गर है, और यहाँ जो है ये उसे भी क्या नाम था इसका, दी ज्यूस बर्गर रखा हुआ है। और यहाँ जी वैको ये नाम ऐसे है ना जैसे बॉम के नाम दे रहे हो। जी वैको रखा हुआ है। और यहाँ ग्रिल्ड थाई है, और यहाँ अपना चिकन फिंगर्स हैं और नगेट्स हैं और ये फ्राइज हैं, और यहाँ पर अपना डिप सॉसेज रखे हुए हैं, और ये अपनी फेवरेट और खोल लेते हैं डाइट पेप्सी। तो चलें उसे भाई शुरू करें। बहुत ज्यादा बोल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसे भाई आप कहाँ से जाएंगे पहले? वकास भाई कहाँ से जाना चाहिए? मैं तो पहले नगेट्स ले लूं, उसके बाद ही बात होगी हमारी। और नगेट्स हो वकास भाई, मैं तो आज ऐसे लेने वाला हूँ मेरे। अच्छा, पिछली दफा मैंने खाया था, मुझे बड़ा मजा आया था वकास भाई। आज फिर से वो गल भी दें तो सही ले। ये भाई ये लिया, और ये वकास भी ये ऐसे ट्राई तो करें एक दो, मज़ा आता है। फिंगर फिश, सॉरी फिश बोल रहा हूँ, फिश मैंने कहा कहाँ से आ गई। कभी नगेट्स तो कमाल के लग रहे हो, कभी आला सीन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन का भी, और फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा आया है। इसको भी दो लेना चाहिए। उसे भी खैर है, मुझे नहीं पता आज खैर है उसे भाई। थ्योरी कोई अलग चल रही है ये भाई। आज मैं उसैब भाई को देख रहा हूँ, क्या हो रहा है आज उसैब भाई? आपको ज़्यादा भूख लगी हुई है मुझे लग रहा है। दो तीन दिन से कुछ भी नहीं खाया होगा, कुछ भी। अच्छा जी, स्पाइस स्क्वायर मैं ट्राई कर लेता हूँ उसैब भाई, जब तक ये ट्राई करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्वायर के अंदर पैटी है, स्पाइसी भी है। स्क्वायर के अंदर पैटी नहीं है, बर्गर के अंदर स्क्वायर है। वही है की बात। अच्छा अभी फ्राइज रखे हुए हैं, फ्राइज भी अच्छे लग रहे हैं। इधर दिखाए मुकाबले फिर। अभी लगता है आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ये, ऐसे ना कल भी जुनून में आ गए। बिस्मिल्लाह वाला बरकत ला, पहले नहीं पढ़ा। आए हैं वो कल भी, ये तो साहब भाई कमाल का, कमाल गया। अच्छा सारा टेस्ट जो इसके अंदर स्क्वायर रखा हुआ है ना उसी का आ रहा है, और बड़ा ही उसी का ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। स्पाइस है उसे भाई, स्पाइस अच्छा। अरे भाई साहब कमाल। अच्छा भैया मैं आ जाऊंगा चिकन आला कीव पर, देखते हैं ये है क्या बला, मैंने आज तक नहीं खाई है। आ जाए मुकाबले मिलकर, थोड़ा मैश पोटैटो मेरे मेरे सामने नहीं है, मुझे ज़रा तकलीफ हो रही है उठाने में। सब कैसा है टेस्ट इसके अंदर, कौन सी चीज़ का टेस्ट ज़्यादा है मुकाबले में? इसका सॉस है, इसका सॉस है, उसी का टेस्ट ज़्यादा है ना। हाँ हाँ सॉस का टेस्ट ज़्यादा है। और ये हाथ तो लगा दिया मैंने, फायदा क्या है इसका। और ये भाई स्ट्रॉबेरी, ये वो मरीजों वाला खाना है उसे वो जो डाइटिंग पर होते नहीं है, ऐसे फील हो रहा है जैसे वो वाकई मुझे ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि आपको पता है स्पाइस वगैरह के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता। इसमें वही है स्पाइस वगैरह ना बहुत ही कम है, और ये मैश पोटैटो का आदमी जो अच्छा लग रहा है इसके अंदर जो है ना, ये चिकन साहब कमाल किया है। इसके अंदर जो इसके अंदर वैसे वकाल भी टोटल सॉस का टेस्ट रहा है जो इसके अंदर डला हुआ है ना, क्योंकि ये उससे तर तर रहा है, देख रहे हैं पूरा वही सॉस ही नजर आ रहा है हर तरफ, चिकन आ ही नहीं रही। भैया है मरीजों वाला लेकिन कमाल का है। टिश्यू ले जाऊंगा अभी। चिकन को तो हम ठक कर गए साहब। नहीं डाइट जब का भी मैं नगेट्स फिर से ले लेता हूँ, मुझे नगेट्स बड़े ही अच्छे लगे इनके। साहब भाई आप नगेट्स लें, मैं ये थाई ले लूँ। ले 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 भैया ये देखो तो सही। ओ हो भाई साहब हाफ कर लें, मेरा रख लें का भी। हाँ ये ले लूँ साहब भाई, ठीक है साहब भाई। साहब भाई आपने खुद लिया। ये ले क्यों नाराज हो रहा है, ये मैं भाई हाफ खा लूं फिर उसे ले ले का भी आप खा, रखा हुआ है कहीं नहीं जा रहा। फिर से दो वकास भी। अच्छा वकास भी लेजेंड को हम नहीं भूल सकते, जो स्पाइसी स्क्वायर गुजरा है वो कमाल का था, अभी तक का जबरदस्त था। साहब भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप खा रहे हो ना, मैं पूरी चाट फाट कर देनी है। दिखाएं खा भी। खा भी
आला हो सब। अभी पिज्जा भी रखा हुआ है, भैया मैं जा रहा हूँ जी वैको पर। जो कोयलों का टेस्ट आ रहा है ना वहीं, मजा जो ग्रिल हुआ हुआ है, कमाल का टेस्ट आ रहा है। काफी चिकन अंदर तक देखें पकी हुई है, मजा दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी आधा लेवल का मजा आ गया इसमें तो, कमाल। ये सब ठीक ठीक है, ज्यादा खास। अच्छा बताए, हमने जब भी कुछ ऐसा ट्राई किया है ना, हमें अच्छा नहीं लगा, जिसके ऊपर बीफ की पैटी हो और नीचे जिंगर हो, ये टेस्ट कम्बिनेशन पता नहीं बनता ही नहीं है। पहले भी जो सी चीज हमने ऐसी ट्राई किया है ना, वो अच्छी पता नहीं कम्बिनेशन बेस्ट नहीं होता इनका। तो भाई ले रहे हैं अपना जी वाको, जो कि किसी बॉम्ब का नाम लगता है, ट्राई करते हैं वाको भाई को। वही बागा आ जाए भाई, अब आ जाते हैं अपने फेवरेट। अभी इसको तो मैं साइड पर रख रहा हूँ, रख दें सर भाई, बस काफ़ी है, हमने रिव्यू कर दिया है। इतना खास नहीं चाहिए। क्या वो कभी आपको मज़ा नहीं आया क्या गाजी एक्सट्रीम का आज? सब अच्छा है, सॉस उसी तरह फुल भरा हुआ है सब। मैं पैरी पैरी फ्लेवर में नहीं मंगाया है, ये गलती हो गई मुझसे। गाजी एक्सट्रीम का भी मुझे अच्छा लगता है और ये अच्छा ही है, क्योंकि सॉस मज़े की बात इनकी यही है भाई, सॉस के लवर हैं आपको तो पता है पर। और इसके अंदर ना सॉस पूरा भरा होता है, पूरा ऐसे दबाऊं ना सॉस सारा निकल आएगा भाई। दो लेयर होती हैं, ये मैं दबा कर दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं नीचे सॉस की लेयर होती है, ऊपर लोडिंग होती है इसकी। हेंस प्रूव्ड मोर सॉस इज इक्वल टू वेरी गुड फास्ट फूड, ऐसे नौका भी मोर लव Hence proved more sauce is equal to reviewers happy। मैं आ जाता हूँ ब्लैक पेपर स्टेक, स्टेक पर स्टीक होता है, स्टेक होता है उसका जो होता है, हमने पेट में डालना है। वो ये है ना अपना, वैसे अगर स्पेलिंग लिहाज से देखा स्टीक लिखा होता है, लेकिन बोला स्टेक जाता है, मर्जी है भाई अंग्रेजों की, लेकिन रेस्टोरेंट वाला सटीक कह रहा था। तो आज ट्राई करने वाले हम सटीक ब्लैक पेपर सटीक वगैरह, ब्लैक पेपर स्टीक। साहब भाई अब क्या छुरी लेकर बैठे हुए हैं, बस ऐसे एक टुकड़ा उठाते हैं, ये देखें हम बस कितना बड़ा, ये पूरा खाना है क्या? हाँ हम साहब भाई ये देखे तो सही भैया, ये देख लो क्या हमसे बड़ा है ये, हमारे मुँह से बड़ा हो गया। हम प्रॉपर तरीके से खाएंगे भाई। अच्छा साहब भाई वो वाले हैं, वो जैसे वो बड़े रेस्टोरेंट की तरह उन्होंने आकर दिया, हम वैसे खाए ना, खाएं हम ऐसे खाएंगे। ले वकाल भाई ये अपनी, ये एक तो आपके सजावटी काम है, ये नीचे गिर जानी है सब कुछ, मैंने जैसे ही फोर्स लगानी है। और ये भाई आ गया हमारे पास एक टुकड़ा मोहब्बत का, और ये लिया सॉस से भैया फुल डिप है, मुझे ज़रूरत नहीं है और सॉस की। सॉस से वाकई वो काफ़ी फुल डिप है भाई आला। और ये है अपने पास एक, ये थोड़ा मैश पोटैटोस भी, वो काफ़ी गिराते हैं। कैसे खा रहे हैं आप? मैं तो सही खा रहा हूँ। अच्छा भाई ये है स्ट्रॉबेरी, जो के नॉइस जो के अच्छी होगा। नहीं हो भाई ये ठीक है, मरीजों वाला टेस्ट दे रही है। ये खाना मरीजों के लिए होगा। ले यही कह रहा था, यही बात कर रहा था। अच्छा थोड़ा सा गिरा है, क्या है फिर, हम जाया नहीं होने देंगे।
भी ये फोर्स नहीं लगाने दे रहा मुझे, मुस्कान क्या तमाशा लगा रखा है तुम, मुस्कान फिर आप गिरा देते हो, पूरी टेबल खराब कर दिया वकार भाई ने। ले बस ये वकार भी मजीद नहीं खाया जा रहा अब। इसमें खाने की हमें टेंशन हो रही है वकार भी। मैं तो आ रहा हूँ अपना दिज्यूस पर, जो कि फिर से किसी बॉम्ब का नाम है। तो भाई शायद भाई ये आपने बचा कर रखा हुआ है, ये मैं खा रहा हूँ। ले वकार भी ट्राई करें आप, मोज़रेला स्टिक्स है इसमें और वकार भी बीफ की पैटी है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। ये ग्रिड था ही ना, कमाल की थी उस साहब, इसमें मज़ा ही आ गया। अभी फिर से मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, वही कम्बिनेशन नहीं बन रहा मोज़रेला स्टिक का और बीफ का, मुंह को समझ ही नहीं आ रही टेस्ट किस चीज़ के आ रहा है। इसलिए फिर से और एक बाइट लेते हैं, शायद समझ आ जाए। मेरे ये ख़त्म, नीचे रखना सर। क्या है आपके टेस्ट को अभी, इतनी चीज़ें इसमें डली हुई है ना, टेस्ट समझ नहीं आ रही कि टेस्ट आके चीज़ कर रहा है, मिक्स हो रहा है सब कुछ। अच्छा जी, ये मोज़रेला स्ट्रिप्स है, ऊपर इसके है बीफ पैटी बर्गर और नीचे भी है एक बीफ पैटी बर्गर। एक नहीं हम कभी टुकड़े हैं नीचे, टुकड़े हैं। अच्छा जी चलें, बिस्मिल्लाह ने आ जाते हैं फ्राइज पर। उसे भाई ये गर्म नहीं है इसलिए ये हो गई, आखिर तक आते आते ना ये ठंडा हो गया। हो सकता होगा अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही है किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है। अभी इसे गर्म करेंगे फिर खाएंगे। ओके करें, डन करें, इसे रख दें यहाँ पर। ले दो स्लाइस है अपनी फिंगर। अच्छा ले ही, ये ले ले, हाँ उठा लें आप, मैं ये भी ले लेता हूँ। और सॉस ख़त्म हो गया मेरे पास। ये होगा भी कौन सा सॉस, आपने बताया भी नहीं है। साहब ये मैंने भी टेस्ट नहीं किया, ये शायद चिल्ली सॉस है। अभी चिल्ली सॉस ट्राई कर रहे हैं। अच्छा तो जी, जो चैनल रिकमेंड किया हैवी फूड सीन, लाजिम उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।